हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज है आपकी क्लास फोर एंड क्लास फोर का जो टॉपिक है वो है फ्लोर बेस्ड पजल। तो जो क्लास तीन थी उसे मैंने आपको सीरीज कंप्लीट करा दी है, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट सीरीज। तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट में व्यू कर सकते हैं। और आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज के टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, लगभग तीन वीडियोज जो हैं वो आपकी फ्लोर बेस्ड पजल पर आएंगी। तो कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस दिन में, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड इस वीडियो का फीडबैक आप लोग प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 10 सेकेंड का समय देती हूँ। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक, अब मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक चीज भी समझा देती हूँ। फ्लोर बेस्ड में आप हमेशा पहले तो ये पढ़ ले कि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर को फ्लोर वन कंसिडर करा है या जीरो कंसिडर करा है। अगर इन्होंने ग्राउंड फ्लोर को जीरो कंसिडर करा है तो आप लोग कैसे लिखते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे। और अगर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है या फिर दे रखा है कि ग्राउंड फ्लोर आपका नंबर वन रहेगा, तब आप इसको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव करके चलते हैं। ठीक, हमेशा आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एट वाले को ऊपर की तरफ, उसके बाद आपकी सातवीं मंजिल आती है, फिर छठी, फिर पांचवी, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। ऐसा बहुत कम होता है कि ये बोले कि सबसे ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका फ्लोर तो नीचे ही रहेगा। तो फ्लोर में आपकी जो है वो डिसेंडिंग ही चलता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दो तीन लाइन का बहुत ध्यान रखना होता है। बॉटम मोस्ट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सबसे नीचे, यानी कि फ्लोर नंबर वन। ठीक, टॉप मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर, एकदम टॉप पे, यानी कि फ्लोर नंबर एट। इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपके नाइन्थ फ्लोर आते हैं तो आप लोग नाइन्थ वाले को टॉप मोस्ट मानेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपकी एक दो लाइन होती है, एक लाइन ये होती है कि देयर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो देर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब यह है कि ए आएगा फिर दो का गैप करके बी आएगा, या फिर बी ऊपर आएगा दो का गैप करके ए आएगा, राइट। लेकिन अगर कहीं भी ये गिवन है कि ए जो है वो कैसा है, आपका सेकेंड एबब है किससे, बी से, तो इसका मतलब सेकेंड एबब का मतलब आपका दो का गैप नहीं, बी एक का गैप करके और फिर आपका ए ऊपर आना होता है। सेकेंड एबब का मतलब आपका दो का गैप नहीं होता है, सेकेंड नंबर पे होता है। थर्ड एबब का मतलब आपका थ्री का गैप नहीं होता है, थर्ड नंबर पे होता है। फोर्थ एबब का मतलब आपका फोर का गैप करके नहीं, फोर्थ नंबर पे होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने कई बार बताया है, एंड अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। जब भी आपका एबब आए, बिलो आए, तो उसमें आपको जितना नंबर दिया होता है उतना गैप नहीं, माइनस वन का गैप देना होता है है। ठीक, उसमें से आपको माइनस वन करके गैप देना होता है। ओके, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप डायरेक्ट जितनी भी चीजें होंगी फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। और जब भी आपका पेपर आता है तो देखो आपको एक ब्लैंक शीट दी जाती है, ये मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूं प्री के एग्जाम के लिए, उसे क्वालिफाई करने के लिए। आप ये मत सोचा करिए कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप जब भी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करें, और इसके बाद आप लोग इस तरीके का एक रफ डायग्राम जल्दी जल्दी से बना लें। एक्चुअली ये मैं अपने राइटिंग पैड पे बना रही हूँ, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो रही है, लेकिन देखो पेन में और राइटिंग पैड में बहुत फर्क होता है। इसको बहुत आराम से आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बनाया तो मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे इसे बनाने में, लेकिन इसे बनाने का फायदा क्या होता है, देखो फायदा ये होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो बेहतर है कि मैं आपको इसके स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक से बताऊं। अब मान लो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, एक बार में ए यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, बी यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इसमें बी यहाँ पर है, इसमें बी यहाँ पर है। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप ब्लैंक पर बना रहे हो तो आप एक पॉसिबिलिटी यहाँ रखोगे, फिर एक यहाँ रखोगे, फिर एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, फिर बी यहाँ रखोगे। तो इसमें क्या होता है, देखो नंबर्स के सामने हम लोग जल्दीबाजी में पेन नहीं चला पाते हैं, या हमको क्या होता है थोड़ा हम ध्यान ना दें तो इसमें हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं इनको काउंट करने में। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप इस तरीके का डायग्राम जो है फटाफट रफ शीट पे बना ले। ट्रस्ट मी, अगर आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। ठीक,
तो ज़्यादातर जब भी मैं प्री के क्वेश्चन बनाती हूँ तो मैं खुद कोशिश करती हूँ कि इस डायग्राम को पेन से ही बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी तो शायद आपकी भी आदत पड़े और आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके इस तरीके से ज़रूर बना लें, कम से कम आप 3 लाइन बना लें, 4 नहीं 3 तो बना लें, बाकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आती है तो आपको एक लाइन बनाने में कितनी देर लगेगी, है ना। देखो क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर आर 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच लिविंग ऑन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 फ्लोर बिल्डिंग पर है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8 है। ठीक, आगे कह रहे हैं डी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6th फ्लोर। आपका डी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर है लेकिन 6th फ्लोर के नीचे है। सो ऑड नंबर फ्लोर पे है, 6 के नीचे है, तो यानी कि आपका जो डी है वो कहाँ पर आएगा, 6 से नीचे आप देखोगे तो डी जो है वो या तो 5th पर आएगा या 3 पर आएगा या फिर 1 पर आएगा। ठीक, इसके अलावा आगे कह रहे हैं देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। तो आपके जो ये वाला डायग्राम है इसको हम अगर यहाँ रखेंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 1 एंड 2 का गैप करके सी यहाँ पे, फिर 1 एंड 2 का गैप करके सी यहाँ पे, राइट। इस कंडीशन में 1 एंड 2 का गैप करके सी यहाँ पे, 1 एंड 2 का गैप करके सी यहाँ पे, राइट। देन जी लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर। तो जी जो है वो ऑड पर आएगा लेकिन बॉटम मोस्ट पे नहीं आएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है ये 3 पर भी आ सकता है, 7 पर भी आ सकता है, राइट। तो इसको खाली लिख लो कि जी जो है वो ऑड पर आएगा, ओके, लेकिन 1 पर नहीं आएगा, राइट। देन आगे गिविन है देयर इज 1 पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में आपका 1 पर्सन का गैप है, और प्लस इसके आगे वाली लाइन भी इससे कनेक्ट करती हुई है तो उसको भी हम ले लेंगे, ए हु लिव्स जस्ट बिलो ई। तो ए जो है वो जस्ट बिलो है ई से, ठीक। तो आपका सी और ए के बीच में 1 का गैप है और ए जो है वो जस्ट बिलो है ई से। तो अगर आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे तो आपका ए जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन क्या इसके जस्ट ऊपर ई आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, और सी से अगर आप नीचे की तरफ ए देंगे तो स्पेस नहीं है, यानी कि ये वाला डायग्राम जो है ये कट हो जाएगा, है ना। इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो या फिर इस वाले डायग्राम की बात सॉरी इस वाले डायग्राम की अगर बात करते हो इसकी दोनों पॉसिबिलिटी की, तो अगर मैं ए ऊपर की ओर लेके जाती हूँ तो इसके जस्ट ऊपर क्या आप ई लेके जा सकते हो, नहीं लेकर जा सकते हो, इसलिए आप ए यहां पे लिखोगे और ई यहां पे लिखोगे, राइट। देन इसके अलावा यहां पर आते हो तो यहां पर अगर आप 1 का गैप करते हो तो ए यहां पर आ सकता है और ई यहां पर आ सकता है, लेकिन इसमें अभी आपकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी जिसमें आपका ए यहां आ सकता है और ई यहां आ सकता है, राइट। देन इसके अलावा इस वाली कंडीशन पर आते हो तो इसमें आपका ए यहां पर आएगा और ई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड बी इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड ए। सो एफ और ए के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही होंगे कितने, एफ और बी के बीच में। तो हमेशा से मैंने एक चीज बताई है कि जब भी आपका इस टाइप का कोई भी पॉइंट आता है कि एफ और ए के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही एफ और बी के बीच में होंगे, तो उन दोनों के बीच में जो आपका सिमिलर वेरिएबल होता है, जैसे कि एफ जो है वो आपका सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपका वो वेरिएबल बीच में आता है और बाकी के जो दोनों वेरिएबल होते हैं वो उसके कैसे आते हैं, ऊपर या फिर नीचे आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका आएगा और एफ जो है वो ए और बी के एग्जैक्टली बीच में आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जी को फिक्स करना चाहो तो जी को फिक्स कहाँ करोगे, अच्छा अभी भी आपकी पॉसिबिलिटी है 3 पर आ सकता है 5 पर आ सकता है, तो अभी रुको, है ना। सी और ए हो गया, इसको हटाओ, अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। एफ जो है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा ए और बी के। तो देखो ए के ऊपर की तरफ तो आपका एफ और बी आ नहीं सकते, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएंगे। अगर मैं बिना गैप के एफ को लिखती हूँ तो क्या बिना गैप के बी लिख पाऊंगी, नहीं लिख पाऊंगी। अगर मैं एफ को यहाँ पे लिखती हूँ तो 1 और 2 का गैप है, तो 1 एंड 2 का गैप करके क्या मैं बी लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी, है ना। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ अगर जाओगे, अगर मैं यहां पे एफ लिखती हूं तो 1 एंड 2 का गैप है ना, तो क्या आप एफ और बी में 1 एंड 2 का गैप दे पाओगे, नहीं दे सकते हो, इसलिए आप क्या करो नीचे की तरफ आ जाओ। तो अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो अगर मैं एफ यहां लिखती हूं तो इसमें 1 का गैप होगा, तो क्या आप बी यहां पर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको 1 का गैप देना है और 1 का गैप अगर आप दोगे तो नीचे स्पेस नहीं है, तो इसलिए ये भी यहां से हट जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2 है, तो 1 और 2 का गैप करके आप एफ यहाँ लिख सकते हो, फिर 1 एंड 2 का गैप करके बी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो सकता है। इस कंडीशन में आप देखोगे तो आपका ए जो है वो यहाँ पर है ना,
और ए जब यहाँ पर है तो इसके अलावा आप देखोगे कि वन एंड टू का गैप करके आप एफ यहाँ पर एंड वन एंड टू का गैप करके फिर आप बी नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे वन का गैप करते हो तो आप एफ यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप एक का गैप करते हो तो बी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, तो ये भी आपका हो गया। देन आगे यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बी लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो एफ। बी जो है वो आपका एफ के फ्लोर से नीचे है, सो एफ के फ्लोर से नीचे है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाली कंडीशन में हमने क्या करा है, बी को ऊपर रख दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, जी जो है उसे और देंगे तो जी यहां पर आ जाएगा, और रेस्ट जो बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो ये होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन। पहला गिवन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एफ लिव्स, एफ जो है वो किस फ्लोर पे है, सो किस पर है, फोर्थ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने पर्सन है, तो डी यहां पर है, सी यहां पर है, खाली दो ही पर्सन है ना, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन ऑन सेम फ्लोर। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये अरेंज कैसे करने को बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम कह रहे हैं या बॉटम टू टॉप कह रहे हैं। सो ये आपको टॉप टू बॉटम कह रहे हैं, सो टॉप टू बॉटम का मतलब है आपको यहाँ से अरेंज करना स्टार्ट करना है, मतलब ए लिखोगे, फिर आप बी लिखोगे, सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच। ठीक, अब यहाँ पे तो ए टू एच आपको लगातार मिल रहे हैं तो आपने सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन कई जगह आपको वेरिएबल छोड़ छोड़ कर भी दिए जाते हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि किसके बाद कौन सा आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख लो किसकी पोजिशन जो है वो अनचेंज है, तो डी की अनचेंज है एंड इसके अलावा एच की अनचेंज है, सो दो की अनचेंज है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पांच में से चार जो हैं वो एक सिमिलर तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन एक जो है वो ऑड है, वो आपको फाइंड करना है। देखो क्या है यहाँ पे, आपका बी हो गया, फिर आपका ए हो गया, देन आपका एफ हो गया, फिर आपका सी हो गया और जी हो गया। देखो बहुत सीधा तरीका है, टू, फोर, सिक्स एंड एट सारे क्या है, आपके इवन नंबर है, एक्सेप्ट जी, जी आपके ऑड नंबर पे आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर जी करेक्ट आंसर होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर नाइन होगा, ठीक, तो वो एक ऑप्शन नाइन पर भी रख देंगे, तो आपको ये लगेगा कि अरे इवन भी गिवन है और आपका ऑड भी गिवन है, तो वहां पे सॉरी इवन भी है और ऑड भी है, दोनों ही लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, लॉजिक जो होता है वो ये होता है, ऑड वो वाला वेरिएबल हो रहा होता है जो कि प्राइम नंबर के सामने आ रहा होता है। ठीक, तो कई बार ये लोग प्राइम नंबर को लेकर भी आपका ऑड वन आउट लगा देते हैं। इफ सी इज रिलेटेड टू ए, सी जो है वो ए से रिलेटेड है, डी इज रिलेटेड टू जी, डी जो है वो जी से रिलेटेड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेम पैटर्न, एफ इज रिलेटेड टू, तो एफ जो है वो किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल वाला, इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मूव करते हैं यहाँ पे। तो तो यहाँ पे है आपका पूरा क्वेश्चन, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेवन पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ सेवन स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो आपके सात पर्सन जो है उनके नाम दे दिए गए हैं, सेवन फ्लोर बिल्डिंग में ये रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर वन है, उसके ऊपर वाला टू है एंड सो ऑन। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स, इन सारे ही पर्सन को डिफरेंट कलर पसंद है, और डिफरेंट कलर कौन से हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक। ओके, फिर यहां से इन्होंने अपने स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया है जिससे हमें क्वेश्चन को देखना है, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं यहां से। और सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लोर लिख लेती हूँ, तो फ्लोर क्या हो गया आपके, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। ओके, देखो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि डी
लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स द ब्लू. डी जो है वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे है, ठीक है, एंड इमीडिएट अबव है द वन हु लाइक्स ब्लू. तो डी जो है वो इमीडिएट अबव है ब्लू से, तो वो आ जाएगा यहाँ पे. ओके आगे कह रहे हैं ई लाइक्स ब्लैक. ई को क्या पसंद है? ई को ब्लैक पसंद है, तो उसको आप लिख लोगे. ठीक, वैसे तो आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो डी को एक बार 6 पे, एक बार 4 पे और एक बार 2 पे रख के, लेकिन अभी रुक जाओ, क्या पता आपको 2, 4 या 6 पे कोई वेरिएबल फिक्स करने को मिल जाए, तो फिर आपकी फिर पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएंगी, है ना. तो छोटा सा ही है, तो बेहतर है आप उसे पढ़ लें. आगे कह रहे हैं द वन हु लाइक्स येलो लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2. तो जिसको येलो पसंद है वो येलो टू, वो आपका नंबर 2 पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका येलो. राइट, देन ए लिव्स ऑन फ्लोर विच इज इमीजिएट अबव डी एंड डज नॉट लाइक रेड. तो ए जो है वो उस फ्लोर पर है जो कि इमीजिएट अबव है किसके? डी के, एंड डज नॉट लाइक रेड. और ए को क्या नहीं पसंद है? ए को आपका रेड नहीं पसंद है. देन एफ लाइक वाइट एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4. तो एफ जो है उसको क्या पसंद है? एफ को वाइट पसंद है. और कैसा रह रहे हैं? आपका 4 नंबर फ्लोर पे, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ. देन आगे कह रहे हैं जी डज नॉट लाइक ब्लू एंड येलो. जी जो है उसको ब्लू एंड येलो नहीं पसंद है, तो उसको हम लिख लेंगे जी जो है वो उसको ब्लू, उसको ब्लू एंड येलो नहीं पसंद है. जी डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट फ्लोर. जी जो है वो बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो जी यहाँ पे नहीं आएगा और जी जो है वो यहाँ नहीं आएगा. देन बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीजिएट अबव द ईस्ट फ्लोर. बी जो है वो आपका इवन नंबर पर आएगा, ठीक है, एंड इमीजिएट अबव है ई से, तो बी जो है वो कैसा है? आपका ई से इमीजिएटली अबव आएगा. देन देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? येलो, एंड आपको 3 का गैप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑरेंज. ठीक, तो यहाँ पे वैसे आपका येलो फिक्स है, सो 1, 2, 3 का गैप करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका ऑरेंज आ जाएगा. ओके उसके अलावा आप देखोगे तो ऑरेंज एंड येलो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं गिवेन है ना. तो आप डी वाला ही आप इसको स्टार्ट कर दो कि डी अगर यहाँ पर आता है तो ब्लू यहाँ पर आएगा. ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि आपका डी जो है वो कहाँ पर आए? 2 पर आए. ठीक, क्योंकि एफ जो है वो 4 पे फिक्स है, तो डी यहाँ पर, तो फिर ब्लू यहाँ पर. ओके, फिर डी के जस्ट ऊपर ए, तो ए यहाँ पर और इस कंडीशन में ए यहाँ पर. ठीक, देन बी जो है वो इवन पर आएगा और बी के जस्ट नीचे ई आएगा, तो बी यहाँ पर और ई यहाँ पर इस कंडीशन में आपका बी यहाँ पर और ई यहाँ पर. ठीक, इसको आप हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे. ई को ब्लैक पसंद है, तो इसको आप क्या दे देंगे? ब्लैक, इसको भी आप ब्लैक दे देंगे. देन डी इवन पर आएगा, ये हो चुका है. ए को रेड नहीं देना है, एफ को वाइट देना है ना. सो एफ को जब वाइट देना है तो एफ को आप पहले वाइट दे दो. ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए को रेड नहीं देना है, सो ए को रेड नहीं देना है इस वाली कंडीशन में, ए को रेड नहीं देना है तो रेड यहाँ पर आएगा. इस कंडीशन में ए को रेड नहीं देना है तो रेड यहाँ पर आएगा. ठीक, फिर जी को ब्लू एंड येलो नहीं देना है, सो जी को ब्लू एंड येलो नहीं देना है, तो जी जो है फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना. और यहाँ पर आप देखोगे जी जो है फिर वो यहाँ पर आ जाएगा. राइट, कुछ मिस हो गया है. अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर मिस है वो एक्चुअली ये है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जी जो है उसको 7 एंड 1 दोनों ही नंबर पे नहीं देना है, तो यहाँ पर आपका जी कहाँ पर आ रहा है? टॉप पर आ रहा है, इसलिए ये आपकी कंडीशन कट हो जाएगी. ये आपका करेक्ट आंसर होगा. लास्ट जो आपका बचेगा वो होगा पिंक, तो पिंक आ जाएगा यहाँ पे. ठीक, तो ए बी हो गया, सी सी यहाँ पर आ जाएगा, डी हो गया, ई एफ एंड जी, तो ये होगा ऐसा करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट गिवन है हु लाइक्स रेड, रेड किसको पसंद है? तो रेड है ऑप्शन नंबर जी, डी आंसर होगा ऐसा करेक्ट. द पर्सन हु लिव्स ऑन 7th फ्लोर, 7th फ्लोर जो है वो उस पर कौन सा पर्सन रह रहा है? सो पिंक वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. सी जो है उसको कौन सा कलर पसंद है? तो उसको ब्लू पसंद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. एंड येलो किसको पसंद है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये ऑड आप लोग फाइंड करिए. एक ऑड मैंने फाइंड कर दिया, एक लॉजिक मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, तो अब लास्ट वाले का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.